आज आप लोग को हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको गाइस हम आप बताएंगे, अगर आप पेमेंट बैंक जो कि अपने कस्टमर लोग को खोल रहे हैं और पैसा निकासी कर रहे हैं एयरटेल मांद्रा ऐप के थ्रू, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें, न्यू अपडेट आया है। आप पहले 10,000 से ऊपर आप लोग विड्रॉ नहीं करते थे, ठीक है, आधार कार्ड से ही तो 10,000 आपका विड्रॉ हो पाएगा। अगर किसी अगर ग्राहक को आपने एयरटेल पेमेंट बैंक खोले हैं तो उसको 10,000 से आप ऊपर नहीं निकालते, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, आप चाहेंगे तो 20,000, 30,000, 25,000 और 50,000 आप निकाल सकते हैं। और कैसे आपको वो ऑप्शन आपको मिलेगा जो साइट के स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके लिए आपको बता दें, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना, क्योंकि आज आप उस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे आपको गाइस, जो कि न्यू ऑप्शन जो कि आया है कैश विड्रॉ, उसके बारे में आपको हम सिखाएंगे, उसमें क्या क्या आपको करना होगा कस्टमर को पैसा निकालने के लिए, ठीक है। चलिए पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा लगा तो एक प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिए हमारा इस वीडियो कैसे लगे। चलिए आपको बताते हैं मोबाइल के, तो आज की इस वीडियो में गाइस आपको बताएंगे, आप एयरटेल मांद्रा यूज करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक जिससे आप पैसा निकासी करते हैं और कस्टमर लोग को अपने खाता खोलते हैं, पैसा निकासी कैसे करना है और पैसा डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है, और माइक्रो एटीएम के भी बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि आप माइक्रो एटीएम से आप पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और माइक्रो एटीएम से आप पिन कैसे बना सकते हैं, पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। आप एक रिटेलर हैं तो आपके लिए सही वीडियो है गाइस, ठीक है। आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां से आप आधार से जो कि है पैसा जो कि निकासी कर सकते हैं, ठीक है। पैसा निकासी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मांद्रा आपको यूज करना है, जो जो वो वर्जन आया है उसके बारे में डिटेल तो आपको बता ही दिया जाए। ये हो गया आपको पहला सेक्शन जो कि पैसा विड्रॉ का, ठीक है। आप लोग को तो पहले ही हम बता दिया था, यहाँ पे कैश विड्रॉ और यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ऊपर के लिए लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैश विड्रॉ का एक ऑप्शन जो कि पहले से आपका मिला होगा, ठीक है, पहले से आपको मिला होगा, लेकिन न्यू जो कि इसको अपडेट करके फिर से एक ऑप्शन लाया गया है, यानी कैश विड्रॉ आपको दो तरीका का जो कि मिलने वाला है, ठीक है। पहला सेक्शन हो गया तो पहला सेक्शन में आपको समझा देते हैं, जिस भी भाई का जो कि पैसा निकाल रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, जिस भी भाई का खुला होगा वहां पे इसको नंबर डालना है और यहाँ के अमाउंट डालना है कि आप उसको कितने के जो कि रिचार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिंगर अटैच करना है, उसके बाद जो कि पैसा विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन न्यू जो कि है ये ऑप्शन जो कि आया है कैश विड्रॉ का, इसके बारे में आपको हम बताने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, आपको गौर से समझना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे उसको क्या करना है गाइस, अमाउंट भरना है, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए मैं सारा कुछ फिल कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पे नंबर डाल दिया हूँ और 100 रुपया जो की अमाउंट जो की एडिंग कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है गाइस, सेंड ओटीपी। आपने पहली बार इस ऑप्शन को सुना होगा कि भी एक ओटीपी से आप पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही आपने सुना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिस भी भाई जो कि पैसा ये निकालना चाह रहा है उसके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वहां पे फिल कर दे, जिस भी भाई का जो कि यहाँ पे जो कि पैसा निकालना चाहते हैं तो वहां पे उसके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिंगर का अटैच का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिंगर अटैच पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिंगर मांगा जा रहा है, जिस भी भाई का ये अकाउंट है उसका जो कि है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिंगर लगने के बाद यही जो कि वर्जन रहेगा पहला वाला वर्जन जो कि खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फिंगर जैसे वो भाई दे देगा तो आप लोग देख सकते हैं 100 रुपया मेरे अकाउंट से जो कि ऑलरेडी कट चुका है और इसमें जो कि है एयरटेल पेमेंट बैंक में जो कि आ चुका है। यहाँ पे देख सकते कुछ इस प्रकार से जो कि खुल के आ जाएगा, यहाँ पे डेट तारीख और यहाँ पे देख सकते हैं डेट तारीख वगैरह जो कि है और यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे सेट होके आ चुका है और यहाँ पे हर एक चीज आपको जो वहाँ पे मिलेगा जो आपको एक दुकानदार को देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ओके भी कर सकते हैं अगर प्रिंट नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पहला जो कि न्यू ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमर को ओटीपी से भी मैच करता है अकाउंट, ठीक है, और फिंगर से भी मैच करता है, दोनों चीज मैच होने से आपका पैसा तुरंत विड्रॉ दे देगा, ठीक है। और इस ऑप्शन में बात करें आप कितने तक पैसा एक बार निकाल सकते हैं कस्टमर के अकाउंट से,
आपको गाइस बता दे 10,000 से यानी 100 रुपया से लेके 10, 20, 25, 30 कुछ इस प्रकार से ज्यादा आप निकाल सकते हैं, आपको जितना इच्छा हो, क्योंकि इसमें ओटीपी का जो कि लग रहा है, ठीक है। तो पहली बार ये जो ऑप्शन जो खुला है जो 50,000 तक आपका जो कि विड्रो दे सकता है, ठीक है। न्यू वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना, क्योंकि न्यू वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आपको, ठीक है, माइक्रो एटीएम आपको कैसे जो कि परचेस करना है, कैसे लेना है, क्यों, कितने इसके कीमत पड़ेंगे, ठीक है, और कैसे इसको यूज करता है। ये सब वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब करके आप अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि न्यू वीडियो हम जल्द से जल्द हम डालने वाले हैं। कल न तो परसों ये वीडियो अपलोडिंग हो जाएगा, आप लोग के लिए सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा इस वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।